दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, ममता बनर्जी ने दिखाए सख्त तेवर, तो कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बदल दिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार सुबह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा ने असम के गोलकगंज से गुजरते हुए राज्य में अपनी यात्रा समाप्त की और सुबह पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में प्रवेश किया। इस यात्रा पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त तेवर का असर साफ देखने को मिल रहा है। बंगाल में कांग्रेस की यात्रा का रूट बदल दिया गया है। अब ये पहले से कम समय तक इस राज्य में रुकेगी। पड़ोसी राज्य बिहार में जाने से पहले न्याय यात्रा बंगाल के उत्तरी जिलों से होकर गुजरेगी। इसके लिए रूट को फिर से प्लान किया गया है। आपको बता दें कि बंगाल में यात्रा के रूट को लेकर आखिरी समय में बदलाव करना ममता बनर्जी के सख्त रुख की ओर इशारा कर रहा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उदयनिधि स्टालिन की पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, डीएमके को बताया डेंगू मलेरिया और कोड़। दरअसल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडिया गठबंधन के साथी दल डीएमके पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने एक वीडियो साझा कर कहा कि तमिलनाडु से डेंगू मलेरिया और कोड़ खत्म होने का समय आ गया है। खास बात यह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बीते साल सितंबर में कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की तुलना डेंगू से की थी। आचार्य प्रमोद ने कहा कि तमिलनाडु में अब डी मतलब डेंगू, एम मतलब मलेरिया और के मतलब कोड़ के खत्म होने का समय आ गया है। उन्होंने बाद में जय जय श्री राम भी कहा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की पार्टी का नाम भी डीएमके है। साथ ही उन्होंने एक जुलूस का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें बड़ी संख्या में जनता भगवा ध्वज हाथ में लेकर चल रही है। बताया जा रहा है कि यह जुलूस तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का है। वीडियो पोस्ट के अनुसार चेन्नई की सड़कों पर 1,00,000 से ज्यादा लोग उतरे। उन्होंने अपने हाथों में भगवा लेकर जय जय श्री राम के जमकर नारे लगाए। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि सनातन को खत्म करने की बात करने वालों को यह वीडियो देखना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बंगाल में सीट शेयरिंग के बवाल पर भड़क गए मिलिंद देवड़ा, कांग्रेस पार्टी को सुनाई खरी खोटी, बोले मेरी बात नहीं मानी गई। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दल एकमत नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला करके एक बम फोड़ दिया है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी दबे स्वर में ये ऐलान कर दिया है कि वो पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में टीएमसी और आम आदमी पार्टी के साथ में सहयोगी है, मगर अलग अलग राज्य में सीट शेयरिंग की स्थिति पर वो असहाय नजर आ रही है। जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन के घटक दल मजबूत हैं, वहां पर वे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में सीट देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति को देखते हुए पूर्व केंद्र मंत्री और हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। पूर्व कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने की ममता बनर्जी के अचानक आए की टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मैंने महाराष्ट्र में भी इंडिया के घटक दलों द्वारा कांग्रेस को नजरअंदाज करने के खिलाफ आवाज उठाई थी, मगर किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते पहले मैं महाराष्ट्र के अकेले कांग्रेस नेता के रूप में खड़ा था जो पार्टी के हितों को उपेक्षित होने से बचाने के लिए लड़ रहा था। उन्होंने कहा कि मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला किया। अगली बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी की वजह से कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी में नहीं बनी बात, टीएमसी ने कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तकरार का दौर जारी है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के साथ में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनने की वजह कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को बताया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ में सीट बंटवारे से साफ इनकार कर दिया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और उनकी पार्टी के बीच में गठबंधन कारगर नहीं होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जिम्मेदार हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने यह घोषणा की है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में राज्य में अकेले ही मैदान में उतरेगी। डेरेक ओब्रायन ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन कारगर नहीं हो पा रहा, उसकी वजह अधीर रंजन चौधरी हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के अनेक आलोचक थे, लेकिन भाजपा और अधीर रंजन चौधरी ने बार बार गठबंधन के खिलाफ बयान दिए हैं। डेरेक ओब्रायन ने
संवाददाताओं से कहा कि आम चुनाव के बाद यदि कांग्रेस पार्टी अपना काम कर लेती है और अच्छी खासी संख्या में सीटों पर भाजपा को हरा देती है तो तृणमूल कांग्रेस उस मोर्चे में पूरे तरीके से शामिल रहेगी जो संविधान में विश्वास रखता है और उसके लिए लड़ता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अचानक ये घोषणा कर दी है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले ही मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि इससे विपक्षी गठबंधन इंडिया को तगड़ा झटका लगा है और ममता बनर्जी की पार्टी ने इस सबके लिए अधीर रंजन चौधरी को जिम्मेदार ठहराया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सेठार की भाजपा में हो गई वापसी। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सेठार की भाजपा में वापसी हो गई है। सेठार को कर्नाटक में दबदबे वाली लिंगायत समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। हालांकि अब तक कांग्रेस छोड़ने की वजह साफ नहीं हो सकी है। जगदीश सेठार ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता दोबारा ली है। उनके साथ में दिल्ली कार्यालय में कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र और केंद्र मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। सेठार ने बीते साल अप्रैल में भाजपा से इस्तीफा दिया था। खबरें थी कि विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। आपको बता दें कि जगदीश सेठार अब फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, एक और राज्य में लागू की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। दरअसल कांग्रेस एक और राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 2006 के बाद भर्ती हुए लगभग 13,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर थे तो उन्होंने उनसे इस मांग को पूरा करने का वादा किया था। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि 2006 के बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के लगभग 13,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 एनपीएस कर्मचारियों के सभी परिवारों को राहत मिली होगी। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के तेवर से अब इंडिया गठबंधन के छोटे दलों की भी बढ़ेगी ताकत, कांग्रेस को अब करना होगा सरेंडर। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। सीट बंटवारे से नाराज तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश में सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने ऐसे वक्त में एकला चलो की घोषणा की है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त तेवरों ने कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ा दिया है। अब कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी है, पर अब यह राह आसान नहीं है। ममता बनर्जी को मनाने के लिए कांग्रेस को उनकी सभी शर्तों को स्वीकार करना होगा, यानी कांग्रेस को अब सरेंडर करना होगा। तृणमूल कांग्रेस लगातार कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 2 सीटें देने की पेशकश कर रही है, पर कांग्रेस पार्टी कम से कम 5 सीटें चाहती है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को भी चुप कराना होगा, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। तृणमूल कांग्रेस के एकला चलो के ऐलान से इंडिया गठबंधन में सिर्फ उसकी तोलमोल की ताकत नहीं बढ़ी है, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे क्षेत्र घटक दलों को भी बड़ी ताकत दे दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 3 दौर की बातचीत के बावजूद कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। इसी तरह बिहार में सीट बंटवारे पर आरजेडी और जदयू की ताकत बढ़ गई है। आपको बता दें कि झारखंड में जेएमएम इस बार कांग्रेस को 2019 की तर्ज पर सीट देने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके के साथ में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी चल रही है। ऐसे में कांग्रेस पर अब दबाव बढ़ गया है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि अब कांग्रेस को गठबंधन बरकरार रखने के लिए क्षेत्र दलों की बात माननी होगी, वरना गठबंधन टूटने के लिए उसे जिम्मेदार माना जाएगा। आपको बता दें कि एक तरीके से अब कांग्रेस पार्टी को पूरे तरीके से सरेंडर करना होगा। अगली बड़ी खबर, ना सीटों पर बात ना साझा रैली, राहुल गांधी की यात्रा से भी इंडिया की दूरी, गठबंधन में पड़ गई गांठ। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर ही लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। उनके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी भी सभी 13 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी के तेवर दिखाने पर आदित्य ठाकरे का कहना है कि ममता बनर्जी शेरनी है। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस तरह इंडिया गठबंधन चुनाव के आगाज से पहले ही
अलग अलग सुर दिखाते हुए बढ़ता नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग के अलावा साझा रैलियों का जो प्लान था अब वो भी खटाई में पड़ गया है। इसकी वानगी बुधवार को कर्पूरी ठाकुर की जन्म सती पर भी देखने को मिली। पटना में जेडीयू का कर्पूरी जयंती पर आयोजन था जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा आरजेडी की भी अलग ही रैली थी जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मौजूद थे। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक अब सवाल उठा रहे हैं कि जब कर्पूरी जैसे समाजवादी नेता की जयंती पर भी विपक्ष के नेता एकजुट नहीं है तो फिर साझा रैलियों के कार्यक्रम का क्या होगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बुलंदशहर में रैली के साथ ही चुनाव अभियान का आगाज कर चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वो साउथ इंडिया, महाराष्ट्र और गुजरात के दौरे भी कर चुके हैं। विपक्ष के संयोजन में कमी इस हद तक है कि साझा रैलियों के प्लान पर अब कोई बात ही नहीं हो रही, जबकि अक्टूबर में ही ऐसे एक आयोजन का प्लान था। विपक्ष की भोपाल में मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ही एक संयुक्त रैली की जानी थी जिस पर कमलनाथ ने ब्रेक लगा दिया था। अब इस बारे में भी कोई भी चर्चा तक नहीं हो रही और सीट शेयरिंग के नाम पर कुनबा बिखरने लगा है। वो संकट अलग है, ममता बनर्जी ने तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सीट शेयरिंग की समस्या बताई तो समन्वय की कमी का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी की यात्रा बंगाल पहुंचने वाली है लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल सभी अपने अपने कार्यक्रम में लगे हैं। इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम पर कोई भी नजर नहीं है, कोई भी इस प्लान के बारे में बात नहीं कर रहा कि साझा रैली कब होगी और फिर सीट शेयरिंग को लेकर भी कई पार्टियां मतभेद में हैं। यानी अभी तक इंडिया गठबंधन में फाइनल कुछ भी नहीं हो पाया है। संयोजक के पद को लेकर भी बात टलती नजर आ रही है, यानी इंडिया गठबंधन अभी काफी पीछे चल रहा है। सभी अपने अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर खुद के कार्यक्रम कर रहे हैं जबकि संयुक्त प्लान पर बात होनी थी। अब देखना यह होगा कि आखिर आगे इस गठबंधन का क्या होगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने 2024 के लिए लॉन्च कर दिया कैंपेन थीम जिसका शीर्षक है सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है जिसका शीर्षक है सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। इस वीडियो में उज्ज्वला डीबीटी हर घर नल से जला प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र सरकार की विदेश नीति सहित वैसे तमाम क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है जिसके बारे में भाजपा सरकार का दावा है कि काफी काम किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवा मतदाताओं से कहा कि वे अपने वोट के जरिए देश की दिशा और दशा तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा मतदाताओं से कहा कि स्थायी सरकार बड़े निर्णय लेती है, हमारी सरकार ने दशकों से लंबित पड़े मुद्दों को हल किया है। 10 से 12 वर्ष पहले जो परिस्थितियां थीं उन्होंने देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर दिया था। प्रधानमंत्री ने युवा मतदाताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अतीत में भ्रष्टाचार और घोटाले हेडलाइन बनते थे लेकिन अब बात विश्वसनीयता और सफलता की कहानियों की होती है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि आपके सपने मेरा संकल्प है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने 2024 के लिए अपना थीम कैंपेन लॉन्च कर दिया है जिसके बोल हैं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। अगली बड़ी खबर, इमोशनल हो गया पूरा मंत्रिमंडल, कैबिनेट ने राम मंदिर के लिए पीएम मोदी का किया अभिनंदन, भावुक हो गए पीएम मोदी। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित करा, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सफलता पूर्वक संपन्न होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का पूरे मंत्रिमंडल ने समर्थन किया है। प्रस्ताव में मोदी को नवयुग परिवर्तक बताते हुए कहा गया है कि उन्होंने लोगों का सदियों पुराना सपना पूरा किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सहयोगी मंत्रियों की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की यह बैठक बेहद ऐतिहासिक है, भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली के अस्तित्व में आने के बाद से कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं लेकिन ऐसा अवसर कभी नहीं आया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो कार्य किया गया वो इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि देश को 1947 में आजादी मिली लेकिन उसकी आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि यह एक जन आंदोलन बन गया था। सदस्यों ने प्रधानमंत्री द्वारा 11 दिन तक अनुष्ठान करने और तीर्थ स्थलों पर उपासना के लिए भी उनका अभिनंदन किया। इस दौरान पीएम मोदी बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश में नए युग के प्रवर्तन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाएगा। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि सदस्यों ने आज की कैबिनेट को सहस्त्राब्दी की कैबिनेट करार दिया।
लिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।